नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं मतलब जो क्रिप्टो में एक समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है आज की तारीख में, वो है स्कैम। मतलब चारों तरफ ऐसी ऐसी तरीक़ों से आपको स्कैम घिर रहा है जिस जिस तरीके से आपने कल्पना नहीं की होगी। जो एक्सचेंज हैं, टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, वो सब एक एक कर कर अपना जो रियल रूप है वो दिखा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड एक्सचेंज के बारे में, दूसरा गारी टोकन के बारे में और कुछ और ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको अभी तक हो सकता है सामने नहीं आए उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो इनका सोल्यूशन क्या है, गारी का जो डाउन हुआ है इसका सोल्यूशन क्या अभी है हमारे पास, क्या वर्ल्ड का जो अभी उन्होंने विड्रॉल रोक दिया उसका क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये चीज़ें हुई हैं, ये हुई किस तरीके से। दरअसल वर्ल्ड एक, अभी तक अगर आप नहीं जानते वर्ल्ड के बारे में, तो वर्ल्ड एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म था। जिस तरीके से आप अपने एक्सचेंज में क्रिप्टो बाय करते हैं वो एक्सचेंज इसलिए कहलाता है क्योंकि वहाँ पर आपने पैसा जमा किया और उस पैसे से कोई दूसरी चीज़ को चेंज कर लिया। अब क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह है इसलिए उसको एक्सचेंज बोलते हैं। दूसरा उसके बाद एक होता है वैलेट। अब क्योंकि कई सारे एक्सचेंज ऐसे भी होते हैं जो वैलेट की फैसिलिटी भी हमको देते हैं, तो हम लोग का जो क्रिप्टो है हम लोग ये मानते हैं कि चलो वहाँ पर पड़ा है पड़ा रहने दो, या हम लोग को मालूम नहीं होता है कि वहाँ रखना है या नहीं रखना है, हम लोग कोई बताता नहीं, तो इसलिए हम लोग उसी एक्सचेंज को ही वैलेट भी समझ लेते हैं और वहीं पर पैसा पड़ा रहने देते हैं। हालांकि वैलेट एक दूसरी चीज़ होती है जिसमें कि हम लोग अपना स्टोर करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस लेवल के वैलेट पे स्टोर करें, जिस लेवल पर हमको उसको स्टोर रखना होता है, सपोज़ कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कई सारे सालों के लिए, तो ये सब चीज़ डिपेंड करती है। और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पर रख देते हैं अगर हम, तो वो जैसे बैंक में हम लोग पैसा अपना जमा करते हैं तो बैंक क्या करते हैं, उस हमारे पैसे पर इंटरेस्ट देते हैं हमको थोड़ा, और उसी पैसे को वो दूसरी जगह पर चढ़ा देते हैं ब्याज पर और उससे लोगों को लोन देते हैं। तो इसी तरीके की तीन तरीके के प्लेटफॉर्म यहाँ पर अपने अपने क्रिप्टो में भी हैं। तो क्रिप्टो में कुछ ऐसे स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर हम अपनी क्रिप्टो रख देते हैं, वो अपनी क्रिप्टो को जो एक्सचेंज होते हैं, जो स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं, वो कहीं और स्टेक करते हैं और हमको रिटर्न देते हैं और ख़ुद भी रिटर्न पाते हैं, बीच में कमाते हैं। तो ये सारा सिस्टम चलता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जिसको हम स्टेक पर दे रहे हैं क्या वो इतना रिलायबल है, क्योंकि क्रिप्टो में जब सपोज़ एक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, कोई एक आदमी है, उसके पास जब आप अपनी क्रिप्टो जमा कर रहे हैं, उसके पास सपोज़ 1000 बिटकॉइन हो गए, तो उसको क्या लगता है कि चलो अभी 1000 बिटकॉइन का तो विड्रॉल देना नहीं है, अभी इस पैसे को यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ में, अपने और किसी यूज़ में, और इस तरीके से यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम। क्योंकि सपोज़ ज़रा ध्यान से इस बात को समझिए कि आपने किसी को 100 बिटकॉइन दिए, उसने वो 100 बिटकॉइन कहीं और लगा दिए स्टेकिंग पर, तो 100 बिटकॉइन कहीं गया तो नहीं ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि लोग विड्रॉल जब तक मांगेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी ही बिता देंगे ये सारा यूज़ करते करते, तो लोग उस पैसे को अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ लेने लगते हैं। और जब लोग विड्रॉल मांगते हैं तब लोग घबरा जाते हैं कि अभी तो मुझे इतने बिटकॉइन देने और कहाँ से दूँ, क्योंकि बचे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खर्च कर दिए। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है विड्रॉल की और ये सारी चीज़ों की। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये वर्ल्ड का जो कई सारे लोग तक पहुँचा है, और मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस तक बिल्कुल नहीं पहुँचा, क्योंकि वर्ल्ड का कई बार प्रमोशन हमारे पास आया कि अपनी ऑडियंस को उसके बारे में बताइए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऑडियंस की क्रिप्टो कहाँ रखनी है वो खुद उसके लिए समझदार हैं। दूसरी बात, जब हम लोग बाइनेंस पर ही ट्रेडिंग करते तो बाइनेंस में मैक्सिमम सारे स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म हैं और बाइनेंस क्रिप्टो का एक बहुत मजबूत पिलर है, तो वहाँ पर अगर हमारी क्रिप्टो स्टेक है तो मतलब डर है बट उतना नहीं है। एक मतलब अगर बाइनेंस जिस दिन डेड होगा उस दिन क्रिप्टो शायद ज़्यादा डेड हो जाएगा। तो बाइनेंस एक मजबूत पिलर है, तो इसलिए मुझे लगता है हमारी ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो स्टेकिंग का है आज की तारीख में वो बाइनेंस ही है। कई सारे संडे वाले दिन मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर बताइए कोई स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म बताइए, स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म बताइए। मुझे मालूम है 25 सारे मालूम है जिसमें 25 से भी ज़्यादा परसेंट आपको मिलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है आपकी क्रिप्टो ज़्यादातर उसकी होल्डिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। जब चाहें आप सेल कर दें, जब आप चाहें होल्ड कर लें, जब आप चाहें सेल कर दें। और इसके लिए आप जो भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं उस पर भी बिलीव ना करिए। अगर वो इंडियन एक्सचेंज है तो उसमें देखिए विड्रॉल का ऑप्शन अभी आ रहा है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और इंटरनेशनल एक्सचेंज है तो मोस्टली कोशिश करिए, ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आपका पैसा मेटामास्क या ट्रस्ट वैलेट पर हो। ये एक लेयर है, उसके ऊपर अगर सेफ्टी चाहते हैं तो हार्डवेयर वैलेट है,
और हार्डवेयर वैलेट की ज़रूरत मेरे ख्याल से तब पड़ेगी जब आपके ज़्यादा क्वांटिटी में क्रिप्टो है। अगर आपके पास एक मीडियम क्वांटिटी में है तो ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क से काम बन जाएगा, और अपने जो एक्सचेंज है उन पर जितना जल्दी हो सके उन पर भरोसा धीरे 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 डाउन कर दीजिए, क्योंकि जो भी एक्सचेंज है वो अल्टीमेटली आपकी क्रिप्टो के सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। तो किसी दूसरे के ऊपर अपनी सिक्योरिटी क्यों देना, अपने आप खुद रखिए। आप अपने जो भी वैलेट हैं उनकी की अपने पास रखिए, मतलब वही ट्रस्ट वैलेट की मेटामास्क की, तो ये दोनों जो वैलेट है इसमें अपनी क्रिप्टो आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और जिन किसी भी वैलेट में करें उनकी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए। उन वैलेट पर कोई एयर ड्रॉप पाने के लिए आप एक्साइटेड मत होइए, अगर एयर ड्रॉप पाना है तो उसके लिए कोई और वैलेट बना लीजिए, कोई और फ़ोन यूज़ कर लीजिए। तो ये सेफ्टी का ध्यान आपको ही रखना है और सारी चीज़ों से बचना है। कई सारे एक्सचेंज आज की तारीख में नए नए आ रहे हैं, मुझे बहुत बार प्रमोशन आता है कि सर ये नया मेरा एक्सचेंज है इसको प्रमोट कर दीजिए, बट प्रॉब्लम यही होती है कि देखिए अगर हम उसको बताएं तो कुछ लोग तो ज़रूर यूज़ करेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो उनको शुरुआत में भले ही वो सारे एक्सपीरियंस मिले बट प्रॉब्लम आगे चल के आती है जब वो सर्वाइव करने की सिचुएशन होती है, और जब सर्वाइव करने की सिचुएशन होती है उस समय लोग हाथ खड़े कर देते हैं और वहाँ पर जो भी बेचारे इनोसेंट लोग होते हैं उनका पैसा डूब जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ से हम बचते हैं, आप भी बचिए। जो मोस्ट ट्रस्टेबल चीज़ें हैं उन पर ही जाइए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये सबसे ज़्यादा बुरा समय चल रहा है क्रिप्टो का, मतलब बुरा का मतलब मार्केट डाउन है, बाकी और वैसी कोई चीज़ नहीं, मार्केट डाउन है, इसलिए लोगों का जो बिलीव है वो काफ़ी डाउन है और धीरे धीरे ये वापस से इम्प्रूव होगा। समय एक जैसा नहीं रहता, समय चेंज होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गारी के टोकन की। गारी टोकन जो कल तकरीबन 80-90% तक का डंप हुआ है, और ये जो डंप हुआ ये डंप नॉर्मल नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक खुद प्रोजेक्ट इन्वॉल्व ना हो तब तक इतना बड़ा डंप इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कौन कौन हमारे विल्स हैं, उनके विल्स मतलब कौन कौन हमारे प्रोजेक्ट के बड़े बड़े होल्डर हैं, तो इतना ईजी नहीं है। और जो भी होल्डर होते हैं वो बड़े जो होल्डर होते हैं वो उनके कॉल पर कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो बिना प्रोजेक्ट के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा डंप नहीं हो सकता है। बाकी आने वाले समय में देखते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट वापस से सर्वाइव कर सकता है, कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई है, कई सारे एक्सचेंज पर एक साथ लिस्ट हुआ था और इनका ऐप भी चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इनके साथ कई सारे सेलिब्रिटी जुड़े हैं, उनमें से एक सबसे बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो सलमान खान हैं, तो यहाँ पर उनकी भी गुडविल इसके साथ जुड़ी हुई है, और प्रोजेक्ट भी इंडियन है, तो इतना आसान नहीं है कि लोगों को चूना लगा देना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, उस टोकन में चिंगारी में आग लगा देना, इतना इजी नहीं है। तो आप सब के पास जो सोल्यूशन है, आप सबके पास जो रास्ता है वो यही है, क्योंकि जो हम इनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको मैं चेक किया अभी, तो उस पर जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लोगों की जो इंगेजमेंट, मतलब लोगों का जो प्रतिक्रिया देने का जो नज़रिया है वो शायद मैंने देखा गिने चुने उंगली पर आप गिन सकते हैं, उतने लोगों ने उन तक अपनी रिएक्शन पहुंचाया है। तो जो भी लोग का नुकसान चाहे वो वर्ल्ड एक्सचेंज पे हुआ हो, वो सॉरी वर्ल्ड पर हुआ जो लैंडिंग का प्लेटफॉर्म है, या गारी में हुआ है, वो लोग अपनी अपनी बात अपने प्रोजेक्ट के तक पहुँचाएँ कि उनको क्या फीलिंग आ रही, क्या नुकसान में है, क्या गुस्सा है, क्या वो रिलैक्स हैं, जो कुछ भी फीलिंग आपकी खुद है वो उनके ट्विटर पर जाइए, उस पर उनको बताइए प्रोजेक्ट को, ताकि उनको पता चले कि हमारी ऑडियंस क्या फील कर रही है। क्योंकि अभी उनके ट्विटर पर मैंने ऑफिशियल जो ट्विटर है उसका इंगेजमेंट देखा, वो बहुत ज़्यादा लो है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों को वो एग्जैक्टली फील नहीं आता है कि हाँ मैं मतलब क्या इसमें लोगों का नुकसान भी हुआ है, क्या लोग परेशान भी हैं, क्या लोग गुस्सा भी है, किस मूड में है, वो सारी चीज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आज की तारीख में ये डिजिटल युग है और इसमें सीधे आप प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, सीधे प्रोजेक्ट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारे कमेंट में लिखने से अच्छा आपका सबसे बेस्ट रास्ता है, अगर आपका एक भी रुपया नुकसान हो रहा है तो सीधे प्रोजेक्ट तक अपनी बात पहुंचाइए, ये सबसे बेस्ट रास्ता है। और ट्विटर पर उन लोगों को भी टैग कीजिए जिन लोगों ने आप तक ये प्रोजेक्ट को बताया, तो उनको टैग करेंगे तो वो भी आपकी उसको रीट्वीट करने में मदद करेंगे, उनको आपका इंगेजमेंट उस ट्वीट पर बढ़ेगा, ताकि उस प्रोजेक्ट तक एग्जैक्टली बात जल्दी से जल्दी पहुँचेगी। तो ये सारी चीज़ करना आपका काम अभी है, क्योंकि आपने अगर एक भी रुपया नुकसान किया है तो ये चीज़ आपका करना पूरा पूरा हक भी बनता है, ताकि आगे आने वाले समय में किसी के साथ इस तरीके की दिक्कत ना आए। क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट जब आते हैं साइलेंटली, मतलब आए शोर मचाया साइलेंटली गायब हो गए, तो लोगों का क्रिप्टो से भरोसा उठ रहा है। गवर्नमेंट जो आज की तारीख में जो सोचती है क्रिप्टो को रेगुलेट करना, क्रिप्टो के बारे में कुछ स्मूथ लॉ बनाना, तो वो सब किस वजह से रुक जाते हैं, वो सब इस वजह से रुक जाते हैं कि क्रिप्टो चारों तरफ से तो स्कैम ही दिख रही है, कौन उसको रेगुलेट करना चाहेगा, मतलब
एक अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट, एक रिलायबल, एक गुडविल वाले प्रोजेक्ट भी इस तरीके का अगर परफॉर्म करेंगे तो क्रिप्टो का कहाँ नामो निशान रहेगा अपनी इंडिया में। तो इस चीज़ के लिए अभी देखिए सोशल मीडिया का समय है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़, वो अपनी पावर दिखानी है। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो ट्विटर तो बना ही लीजिए, क्योंकि ट्विटर ही एक सबसे ईजीएस्ट वे है अपनी बात उस व्यक्ति तक पहुँचाने का, इंडिविजुअली आपके जो भी फीलिंग्स, आपकी जो भी इच्छा है वो एग्जैक्टली पहुँचाने का ट्विटर एक बहुत ईजी सरल रास्ता है। तो दोस्तों एक ये थी छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर अपडेट पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।